Physics Wallah, India's top edtech platform that provides affordable education to all. Ek bachchon ko padhane ka intention, jo ki aaj hai India's 101st unicorn with the valuation of $1 billion. Aur students ki zabani bolen to, PW is an emotion. But is it? Is Physics Wallah actually sufficient? And is Physics Wallah the pinnacle of education at a position no one can question? Let's find out. This is Physics Wallah, the good, the bad, the ugly. देखो इतना तो पहले हमें पता ही है कि फिजिक्स वाला एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नीट जेई मेंस जेई एडवांस और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता है और पीडब्ल्यू ऐप पे अलग अलग बैचेस की फॉर्म में फ्री और पेड दोनों तरीके से लेकिन काफी अफोर्डेबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब पीडब्ल्यू के कुछ पॉपुलर बैचेस के बारे में बात करें तो नंबर वन उम्मीद एंड मंजिल बैच। ये पीडब्ल्यू के काफी पॉपुलर कोर्सेज हैं जो कि यूट्यूब और पीडब्ल्यू ऐप दोनों पर बिल्कुल फ्री हैं और इसमें नीट और जेई के लिए तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में इस बैच से काफी सारी चीजें कवर की थी और इसमें हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छी तरीके से कवर किया गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बैचेस आपके काम तभी आ सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे लेवल की हो, वरना बहुत सारी जगहों पर आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। नंबर टू, यकीन एंड अर्जुना। ये दोनों पीडब्ल्यू के पेड कोर्सेज हैं जिनकी प्राइस 4 से 5 हजार के अराउंड होती है। यकीन स्पेसिफिकली नीट के लिए और अर्जुना जेई के लिए फेमस है। इन कोर्सेज का एक ओवरव्यू दूं तो इन कोर्सेज में आपके लिए लेक्चर्स तो हैं ही और साथ में पीडब्ल्यू ऐप पे आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस, डीपीपीस और डीपीपी सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। इनके अलावा कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी होती है, तो बेसिकली सब कुछ ही है। लेकिन अगर आप मॉड्यूल्स परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको इस बैच के साथ नहीं मिलती है, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी और ये बात बैच के प्राइस पॉइंट को देखकर काफी रीजनेबल भी है। चलिए अब पीडब्ल्यू के रिलेटेड कुछ अच्छी बातों पे आते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू हैज समथिंग्स टू ऑफर जो कि इतनी परफेक्शन के साथ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। विच लीड्स अस टू द प्रोस। पहले तो अगर टीचर्स की बात करें तो सीधी बात है, इतने बढ़िया टीचर्स आपको पूरे इंडिया में और किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेंगे। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। तो अगर इनकेस आपकी कोई क्लास स्किप हो जाए, आप उसे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और बैच में काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होने का एक और फायदा यह है कि मॉक टेस्ट में आपको काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। एक और काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इनके बैचेस का ये है कि इनकी फैकल्टी पहले से ही रिवील्ड होती है। तो अगर आपको कोई एक पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किन टीचर से पढ़ना है तो आप उसी अकॉर्डिंग कोर्सेज पहले से ही खरीद सकते हैं। और हाँ, कोर्सेज काफी अफोर्डेबल होते हुए भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देखो, नीट और जेई के लिए एडवांस में प्रिपरेशन करने के लिए फाउंडेशन कोर्सेज भी काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और पीडब्ल्यू के 8th, 9th और 10th क्लास के फाउंडेशन कोर्सेज मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगे। और हाँ, पीडब्ल्यू के बाकी बैचेस की ही तरह यहाँ भी आपको चीजें काफी अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। और क्योंकि पीडब्ल्यू ने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है तो 10th के स्टूडेंट्स के लिए उड़ान 2024 बैच आपको मिलेगा ₹2100, जिसमें है 10th फाउंडेशन कोर्स, सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन, मेंटल एबिलिटी मैट और वीकली 5 डेज क्लासेस अलॉन्ग विद पीडीएफ नोट्स। इसके अलावा पीडब्ल्यू के डेली होम असाइनमेंट्स और डाउट सॉल्विंग इंजन से आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज भी मिलेगी। और तो और, सिमिलर तरीके के बैचेस 9th और 8th क्लास के लिए भी अवेलेबल हैं और आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप पीडब्ल्यू के किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पीडब्ल्यू के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मेरा कोड NF150 भी यूज कर सकते हैं, आपको ₹150 ऑफ भी मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पीडब्ल्यू के ऑनलाइन कोर्सेज का बाकी इंस्टीट्यूट जैसे आकाश, एलएन वगैरह के साथ कंपैरिजन करें तो इसमें कुछ चीजें सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज की बात करें तो इन सभी इंस्टीट्यूट्स में काफी ज्यादा अच्छी फैकल्टी ही पढ़ाती है और सारे ही लगभग सेम ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किस इंस्टीट्यूट का टीचर कितना ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, इसके बारे में सोचने की जरूरत तो नहीं है। डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ी डिफरेंस फी स्ट्रक्चर में, जहां बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं, पीडब्ल्यू के कोर्सेज पूरे कोर्स के लिए 4-5 हजार में आ जाते हैं। तो प्राइस पॉइंट के मामले में भी फिजिक्स वाला टोटली अनडिफीटेड है। तो यहां तक तो सब ठीक ही लग रहा है और पीडब्ल्यू को अगर बाकी कंपटीशन से कंपेयर भी करें तो फिर भी पीडब्ल्यू सबसे बेस्ट चॉइस नजर आती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सी, द थिंग इज, इवन दो पीडब्ल्यू अपने बाकी सारे कॉम्पिटिशन से काफी ज्यादा आगे है और तारीफ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीडब्ल्यू में प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी भी काफी सारी चीजें हैं जहां पर पीडब्ल्यू को इम्प्रूव करने की जरूरत है और उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ही पीडब्ल्यू अपनी शॉर्टकमिंग्स को इम्प्रूव कर सकता है और स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म और ज्यादा बेटर बन सकता है। विच लीड्स अस टू द कॉन्स। नंबर वन,
लेट कम्प्लीशन ऑफ सिलेबस। ये प्रॉब्लम तो अभी तक नीट एस्पिरेंट्स को पता लगी गई होगी और ये सिर्फ इस साल की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पिछले साल भी पीडब्ल्यू के बैचेस में सिलेबस काफी लेट कम्प्लीट कराया गया था। प्रॉब्लम यह है कि जब बैचेस स्टार्ट हो रहे होते हैं तब तो क्लासेस की ड्यूरेशन सेम ही रहती है जो कि 1.5 से 2 घंटे के बीच। नीट एग्जाम के आते आते जब सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा होता है तो क्लासेस की ड्यूरेशन को बढ़ाकर 3 से 4 घंटा कर दिया जाता है, जबकि होना तो इसका उल्टा चाहिए था कि जैसे जैसे नीट का एग्जाम नजदीक आए तो क्लासेस की ड्यूरेशन कम कर दी जाए ताकि स्टूडेंट्स को लेक्चर्स के साथ साथ रिवीजन और टेस्ट देने का भी टाइम मिले। एग्जाम में 3-4 महीने बचे हों तो ये चीज ज्यादा नोटिस नहीं होती, लेकिन जब एग्जाम में 1 महीना या उससे भी कम टाइम बचा होता है तो ये चीज स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रेशर में धकेल देती है और उनकी प्रिपरेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो इस चीज में पीडब्ल्यू बाकी एजुकेशनल जायंट से थोड़ा सा पीछे है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नीट से 3-4 महीने पहले ही सिलेबस पूरा कम्प्लीट कर दिया जाता है। नंबर 2, टू मेनी ऑप्शन। दूसरी प्रॉब्लम जो पीडब्ल्यू के बैचेस में मैंने नोटिस की है वो ये है कि एक ही बैच में अलग अलग ग्रुप ऑफ टीचर्स अलग अलग तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, यानी टू मेनी ऑप्शंस फॉर टीचर्स इन अ सिंगल बैच। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा चॉइस होने में क्या ही बुरा है। बुरा यह है कि इस सब में स्टूडेंट पहले तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि इन सब टीचर्स में आखिर पढ़ना किस है, और अगर स्टूडेंट कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स डिसाइड भी कर ले और फिर उनसे पढ़ना स्टार्ट भी कर ले तो जैसे ही उसे कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो दिमाग पे जोर डालने के बजाय टीचर्स का ग्रुप ही चेंज करने लग जाता है। ये बात स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेजेस है क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाती है और स्टूडेंट्स दिमाग पे जोर डालने के बजाय टीचर्स बदलते रहते हैं जैसे कि ये कोई नॉर्मल बात हो। नंबर 3, नो इंडिविजुअल अटेंशन। पीडब्ल्यू के बैचेस में ये एक और चीज है जो मिसिंग है, क्रीमिंग ऑफ रैंकर्स। और इससे मेरा मतलब है किसी पर्टिकुलर बैच के टॉप स्कोरर्स को उठाकर किसी दूसरे बैच में डालना और उसी बैच के एवरेज या लो स्कोरर्स का भी एक अलग बैच बनाना। सुनने में शायद सही नहीं लग रहा होगा लेकिन रियलिटी यही है कि हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता, कुछ को ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है और कुछ को कम। आप टेस्ट स्कोर्स की कौन सी रेंज में फॉल करते हैं यही बताता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में किन चीजों की ज्यादा जरूरत है और कौन सी चीजों पे आपको कम इम्पोर्टेंस देनी है। अगर सारे स्टूडेंट्स एंड तक सेम ही बैच में रहेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेंशन की जरूरत है वो अपने बाकी पेयर्स की वजह से वो अटेंशन गेन नहीं कर पाएंगे और वो अपनी प्रिपरेशन में पीछे ही रह जाएंगे। अगर लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स का एक अलग बैच रहेगा तो टीचर्स को पहले से आइडिया लगेगा कि इन स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है और इसी तरह ये स्टूडेंट्स हाई स्कोर करके रैंकर्स की कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं और रैंकर्स के बैच पर भी अलग से अटेंशन देकर उन्हें और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता है एंड देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। नंबर 4, DPPs एंड solutions। PW के courses में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि इनकी DPPs और उनके solutions में इतनी ज्यादा mistakes होती हैं कि ये उल्टा students को ही confuse कर देती हैं। Question solve करना maximum aspirants को पहले से ही पसंद नहीं है and the last thing you want to happen is कि सवालों में ही mistakes हो, और ये चीज आपकी फ्रस्ट्रेशन को एक ऐसे लेवल पे ले जाती है कि आप समझ ही सकते होंगे। और तो और ये भी देखा गया है कि इनकी DPPs के solutions भी कई बार अप टू द मार्क नहीं होते, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को सोल्यूशंस देखने के बावजूद भी गूगल पर सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये सोच के कि काफी ज्यादा टाइम जाया हो रहा है बहुत से स्टूडेंट्स डीपीपीस को सॉल्व करना ही बंद कर देते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है और ये धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो पीडब्ल्यू को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक क्लोज टू परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सके। ओके, तो ये था फिजिक्स वाला के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू / एनालिसिस। आई होप कि आपको मेरा पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि मैं भी आपके ओपिनियन में इक्वली इंटरेस्टेड हूँ। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट फिजिक्स वाला। I'll see you in the next one. और हाँ, इन केस आप अभी भी वीडियो की स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं तो यस, फिजिक्स वाला इज एक्चुअली सफिशिएंट एंड नो, देयर इज नो अनक्वेश्चनेबल पोजीशन एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड। व्हाट जस्ट हैपेंड?